अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हमारा बेसिक इंटरनेशनल बेसिक हेयर कलर कोर्स का सेकंड लेक्चर है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा होगा, उसके पॉइंट्स नोट किए होंगे और क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों के आई हैं। और चूंकि आपको पता है कि वो लोग जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे वो डायरेक्ट मुझसे सवालात कर सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप लोग फेसबुक के जरिए मैसेंजर पे हमारे साथ जो साकाज अकेडमी का पेज है उसके ऊपर हमारे साथ लिंक है, तो वहाँ पे भी आप अपना सवाल करके कोई भी जो लेक्चर के हवाले से अपना सवाल करके आप उसका जवाब पूछ सकते हैं। हमारा जो मेरा पिछला लेक्चर था वो हेयर के बारे में था। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज इसलिए करूँगी के थोड़ी रिवीजन हो जाए, हम लोग का ये पता चल जाए कि हमने पिछले कोर्स में क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो मेन बातें पढ़ी थी वो हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि बाल जो है वो एक खास किस्म के प्रोटीन से बना होता है जिसे कैरेटिन कहा जाता है। जो कैरेटिन है वो इसके अलावा जो कैरेटिन के अलावा बाल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो नमी है। इसके अलावा कोई मुख्तलिफ किस्म के धाती और नमकियाती अनासर मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, सल्फर, तो ये भी बाल के अंदर मौजूद होते हैं। बाल का वो हिस्सा जो हमें बाहर नजर आता है उसको हेयर शैफ्ट कहते हैं, जो हिस्सा हमारे सर से की जिल्द से बाहर निकल आता है उसको हेयर शैफ्ट कहा जाता है। बाल का जो सर की जो जिल्द है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं, यानी जो आपको सर की जिल्द जो नजर आती है, जो आपको बैरूनी हिस्सा नजर आता है बाल के नीचे जिल्द जो होती है उसको हम स्कैल्प कहते हैं। और जो हिस्सा बाल का स्कैल्प से निकल के बाहर आ जाता है वो मुर्दा खुलियों पर मुश्तमिल होता है, यानी वो डेड होता है, उसमें कोई जिंदगी नहीं होती है। लेकिन जो हिस्सा बाल का सर की जिल्द के यानी स्कैल्प के नीचे होता है वो जिंदा खुलियों पर मुश्तमिल होता है। उसका हम मैं थोड़ा सा आपको ये कि जो हिस्सा सर के नीचे होता है उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। हेयर फॉलिकल के अंदर आपको ये नजर आएगा कि बाल उसके अंदर मौजूद होता है। आज हम थोड़ा सा हेयर स्ट्रक्चर को यानी बाल की जड़ को थोड़ा सा ज्यादा वजाहत के साथ पढ़ेंगे कि बाल का जो नीचे का हिस्सा है जड़ के अलावा और क्या क्या चीजें बाल के जड़ के साथ मौजूद होती हैं जो कि बाल की हिफाजत भी करती हैं और बाल की नशोनुमा भी करती हैं, तो आज हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि बाल जिल्द के अंदर, अब हमें ये देखना है कि बाल जो है जिल्द के अंदर हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी उसकी हेयर फॉलिकल एक बेसिकली पिट होती है, खड्डा सा होता है, या इसको कह लें कि नाली सी बनी हुई होती है, उसके अंदर बाल मौजूद होता है और इस हेयर फॉलिकल ने बाल को पकड़ के रखा होता है। हर बाल का, जिस्म के जितने भी बाल हैं उनका अपना हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है, हर बाल जो होगा उसका अपना हेयर फॉलिकल होगा। हेयर फॉलिकल के बिल्कुल मिडल में जो पैपिला होता है ये डर्मल पैपिला, और ये डर्मल पैपिला जो है ये बाल को खुराक या खून या खुराक पहुंचाने का सबब बनता है। बाल जो है वो नीचे से थोड़ा चिपटा होता है, यानी हेयर फॉलिकल नीचे से थोड़ा सा चिपटा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है ये तंग होना शुरू हो जाता है, ट्यूब की मानद होता है, ठीक है। और ये जो पैपिला है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके जरिए बालों की नर्व्स इस तक पहुंचती हैं और ब्लड वेसल्स इस तक पहुंचते हैं, यहाँ से बालों को खुराक मिलती है। जो बाल के साथ आपको यहाँ पे ये चीज़, ये लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी, एक इरेक्टर पेली मसल्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं बिल्कुल यूँ हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हुए और यहाँ पे आके एपिडर्मिस यानी उसके साथ जो जिल्द की स्किन की जो लेयर होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, इनको इरेक्टोपेडी मसल्स कहा जाता है। और ये मसल्स बेसिकली हर बाल की जड़ के साथ अटैच होते हैं,
आपने मुहावरा उर्दू में सुना होगा रोंगटे खड़े हो जाना। तो बेसिकली जब ठंड होती है, जब आपको खौफ या कोई सर्दी की वजह से या खौफ की वजह से अक्सर हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसका सबब ये इरेक्टर पेली मसल्स होते हैं कि ये टेंस होते हैं, जिससे आपका बाल जो है वो बॉडी के बाल जो है वो यूँ खड़े हो जाते हैं। तो इसके ये जो इरेक्टर पेली मसल है, इसका सिर्फ यही काम है कि ये आपके ये बाल को या आपकी बॉडी को ये एक किसी खौफ के आलम में, ये सर्दी के आलम में ये एक साइन होता है कि जिससे बाल खड़े हो जाते हैं, ये ताकि आप लोगों को आपकी बॉडी को इस चीज़ का या आपका दिमाग जो है वो उस वक्त इनको ऑर्डर करता है कि ये इस वक्त आपको ठंड लग रही है या आपको खौफ का आलम हो रहा है, तो आप ये इरेक्टर पेली मसल्स टेंस हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बाल की जो जड़ में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स का भी बहुत अहम काम होता है हमारे सर की जिल्द में और बाल की नशोनुमा में। ये ग्लैंड्स जो है एक ख़ास किस्म का ऑयल पैदा करते हैं जिसे सीबम कहा जाता है। सीबम जो है ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से बाल के लिए एक नेचुरल कंडीशनर है। यानी ये जब ये ऑयल पैदा होता है तो ये यहाँ से ये ऑयल की प्रोडक्शन शुरू होती है, और क्योंकि ये बिल्कुल हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है, नज़दीक ही होता है, तो वो सीबम जो है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ हेयर फॉलिकल में आ जाता है, और यहाँ से ये फिर बाल की जहाँ पर जो नया बाल बनता है उसको ये सीबम प्रोवाइड होता है। सीबम बेसिकली एक एंटीसेप्टिक भी है, और ये जब बाल जड़ से इस तरह निकलता है तो ये सीबम साथ लेके निकलता है, और ये जो इसके अलावा बाल की जड़ के अलावा जो सीबम है वो यहाँ से जो बालों के मसाम होते हैं, जो स्किन के मसाम होते हैं, उससे भी रिलीज होता है, निकलता रहता है, और वो जिल्द के ऊपर एक नेचुरल तह बना देता है। उससे क्या होता है कि आपकी जिल जो है बैरूनी किसी भी जरासीम से, जो एक कुदरती तौर पे, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है तो ये कुदरती तौर पे अपने बालों को, बाल की जिल को कवर कर लेता है, और किसी भी जरासीम के अटैक से या आपको किसी भी बीमारी से, जो जिल की बीमारी है उससे आपको महफूज रखती है ये जो सीबम का है। और सीबम का दूसरा काम जो मैंने आपको बताया कि ये हेयर फॉलिकल में चली जाती है, और हेयर फॉलिकल से जब ये ऊपर को जब बाल के साथ ही निकलता है तो बाल के ऊपर एक बहुत अच्छी सी, आपने देखा होगा कि जो नया बाल निकलता है वो बहुत हेल्दी और शाइनी होता है। उसकी रीजन ये होती है, एक तो वो न्यू ग्रो किया होता है, दूसरा उसके क्यूटिकल्स टाइटली बंद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीबम कुदरती कंडीशनर है, और जिस जो कि ये बाल के ऊपर एक हिफाजती तह बना देती है, ना सिर्फ बाल के ऊपर बल्कि जिल के ऊपर भी, सर की जिल के ऊपर भी एक हिफाजती तह बनाती है, और जिससे क्यूटिकल जो बालों का जो क्यूटिकल है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, और बालों का क्यूटिकल जितने स्मूथ होंगे बाल उतना ही लचकदार और चमकदार होगा। यही वजह है कि जो कर्ली बाल होते हैं उनके क्यूटिकल्स इतने, क्योंकि वो उनका वो स्मूथ नहीं हो सकते, उनके बालों में वेव्स होते हैं, वो इस वजह से उनके क्यूटिकल्स जो हैं वो इवन नहीं होते, तो बाल जो कर्ली बाल होता है वो उतना शाइनी और उतना उसमें ये कह लें कि चमक उतनी नहीं होती जितनी कि स्ट्रेट बालों के अंदर चमक होती है। और अगर किसी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से, कोई भी बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल एक्टिविटी हुई है जिसकी उसकी वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो अगर ज़्यादा ऑयल की पैदा करना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा तेल पैदा करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे सर की जिल्द जो है वो ऑयली हो जाती है। यानी वो हमें बाकायदा सर अपना ऑयली महसूस होता है, बाल ऑयली महसूस होते हैं, और उसमें फिर उसके मुख्तलिफ हम अलग से एक मेरा पूरा लेक्चर होगा कि हम उनकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो मैंने अभी आपको ये बताया बाल की जड़ के हवाले से बताया कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी, ये मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, साथ ही आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम अलग से स्क्रीन पे भी नजर आएगी जिससे आप लोग इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब इसके अलावा ये आप रेड और ब्लू लाइन्स में देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं जो कि बालों को खुराक पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं ये बालों को खुराक पहुंचाते हैं, और जो नर्व्स हैं वो बालों को, यानी हमारे किसी भी हमारे सर की जिल्द हो गई या जड़ के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसका पैगाम जो है वो दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग से वो ऑर्डर्स लेके आती हैं उसका, उसको काउंटर करने के लिए। तो ये हमारे जो रेड और ब्लू आप लाइन्स देख रहे हैं, नर्व्स ये फैली हुई हैं जड़ के साथ साथ,
इसके अलावा हमारे हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं यानी पसीने के ग्लैंड्स जो पसीना पैदा करते हैं, ये ग्लैंड्स जो है जब आपके बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर से टेम्परेचर यानी अंदर की निस्बत बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और ये इनके ये पसीना पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और बॉडी आप देखें कि सर में अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो ये अच्छी बात है, गर्मी में सख्त गर्मी में उसकी रीजन ये है कि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता और जिससे वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही रहता है और आपका सर जो है वो ठंडा रहता है। अगर ऐसा ना हो और टेम्परेचर हाई हो जाए और आपकी बॉडी पसीना पैदा ना करे तो उससे ये होगा कि आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आपको कोलैप्स भी कर सकते हैं या आपको के बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया बाल की जड़ के हवाले से। अब मैं थोड़ा सा जो मैंने ज्यादा तफसील से आप लोगों को बताना है वो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के बारे में बताना है। अब मैं आती हूँ बाल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जो जिनसे निकल आता है हेयर शाफ्ट की तरफ। मैंने पिछली दफा आपको उसकी तीन लतहों के बारे में बताया था, अब मैं थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी। मेडुला का तो मैंने आपको बता दिया कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत एक सॉफ्टर प्रोटीन के साथ यानी कैरेटिन के साथ बना हुआ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो बालों की थिकनेस में इजाफा करता है। मैंने उसके हवाले से दो रिसर्च भी थी वो भी आपको बता दी। अब मैं आती हूँ कॉर्टेक्स के ऊपर। कॉर्टेक्स जो है ये पिछली दफा मैंने आपको बताया था स्प्रिंग की शक्ल के जो उसका स्ट्रक्चर होता है, बलदार रस्सी कह लें, और फाइबर की उसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होता है, फाइबर की शेप में होता है वो, और उसका जो ये सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है बाल का। अगर आप बाल के कुदरती रंग को तब्दील करना चाहते हैं या अगर आप ये देखते हैं कि बाल का कुदरती रंग कहाँ पे मौजूद होता है तो वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। कॉर्टेक्स के अंदर एक बहुत अहम पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं, और ये मेलानिन ही इस बात का तायुन करता है कि आपका बाल काला होगा, आपका बाल ब्राउन होगा, आपका बाल ब्लॉन्ड होगा या आपका बाल व्हाइट होगा। इससे मेलानिन के ऊपर हमारा एक सेपरेट लेक्चर मौजूद है, आज के लेक्चर में मैं मेलानिन के ऊपर बात नहीं करूंगी, सिर्फ यही आपको बताऊंगी कि जो कॉर्टेक्स है वो उसके अंदर मेलानिन मौजूद होता है और वो मेलानिन इस बात का तायुन करता है कि आप लोगों ने के बाल का रंग क्या होगा। और जब आप केमिकल प्रोसेस से यानी बालों को डाई करें या ब्लीच करें तो यहाँ पे इस मेलानिन के साथ ही आप कॉर्टेक्स के अंदर मेलानिन के साथ ही आप काम कर रहे होते हैं जो कि आपने बालों के कलर को आप तब्दील करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो बालों को शेप देते हैं। अब ये चूंकि हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, इसका एक सेपरेट मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है बॉन्ड्स के हवाले से, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी सी एक हिंट देती हूँ कि बालों के की जो शेप है वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस बाल की शेप का तायुन करते हैं। अब अगर बाल आपने मुस्तकिल तौर पर आपके बाल सीधे हैं, स्ट्रेट हैं और आप अपने बालों को कर्ली करना चाहती हैं तो आप पर्म करती हैं, तो ये बाल जो भी केमिकल आप इस्तेमाल करती हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर जाकर आपके बालों की साख्त को चेंज करता है। इसी तरीके से अगर आपके बाल कर्ली हैं और आपने स्ट्रेट करना है या आपने स्ट्रेट है और कर्ली करना है तो ये बाल के कॉर्टेक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इस चीज का फैसला करते हैं कि आपने अपने जो केमिकल लगाया है वो उसके ऊपर काम करके तो बालों की साख्त को चेंज करते हैं। इसलिए एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि ऐसे केमिकल्स, इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मत इस्तेमाल करें कि जो के बाल की जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर दें। एक दफा आपका बाल का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, दोबारा हो सकता है दोबारा आप रिकवर कर ही ना सकें और आपको बाल काटना पड़े। तो इसलिए किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या किसी भी हेयर ड्रेसर को कॉर्टेक्स के बारे में जानना बहुत 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 जरूरी है। मैं तीन दफा मैंने बहुत का इस्तेमाल किया है तो ये जान लें कि कॉर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल प्रोसेस ऑन द हेयर। आपको जब तक कॉर्टेक्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, बॉन्ड्स की नॉलेज नहीं होगी, आप लोग इस किस्म के ब्लंडर्स करते रहेंगे।
अब आ जाते हैं क्यूटिकल की तरफ। क्यूटिकल मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाली तह है, छिलके मछली के छिलके की तरह की तह होती है। लेकिन एक बात मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी कि क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ये बिल्कुल जैसे कह लें ना ग्लास होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसके अंदर कोई रंग नहीं मौजूद होने की वजह से जो पिगमेंट आपके कॉर्टेक्स में मौजूद होता है वही अपना कलर जो है वो उसमें से हम क्यूटिकल में से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर हमें नजर आ रहा होता है, यानी हम उसमें से क्यूटिकल में से देख सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि क्यूटिकल का अपना कोई रंग नहीं होता और हमें जो कॉर्टेक्स के अंदर जो मेलानिन का रंग होता है हमें वही रंग हमें अपने बालों का नजर आता है। तो और इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आप बाल एक बाल लें और उसको हल्का सा कैंची के एक साइड से उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये बाल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको चलाएं तो आपको झड़े जिस तरह पाउडर सा झड़ता हुआ महसूस होगा, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा आपको फील तो होगा वाइट, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और वो आप वो बेसिकली आपका क्यूटिकल होता है। एक आपकी नॉलेज के लिए बात कि जो क्यूटिकल की तहें होती हैं, एक एशियन हेयर जैसे हम लोगों के बाल हैं या चाइनीज के बाल होते हैं या मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के बाल हैं, उनके ऊपर जो नॉर्मली क्यूटिकल्स की लेयर्स होती हैं वो 10 से 15 तक होती हैं, 15-16 इस तरीके से तहें होती हैं। जो यूरोपियन बाल होता है उसके ऊपर या अमेरिका जैसे आप उस साइड पे चले जाएं यूरोप वाली साइड पे जिनके बाल ब्लॉन्ड होते हैं उनके ऊपर जो क्यूटिकल्स की लेयर्स होती हैं वो 5 से 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो अफ्रीका वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे जो बाल जो लोगों के बाल होते हैं उनके ऊपर 20 से 25-26 लेयर्स जो हैं वो क्यूटिकल्स की होती हैं। तो आप खुद देख लें कि कौन सा बाल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको डील करना कितना मुश्किल है, कौन सा कम मुश्किल है और कौन सा बाल सबसे कम मुश्किल है, सबसे आसान है उसको हैंडल करना। तो ये हो गया एक एक्स्ट्रा आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, इसके अलावा जो जो कॉर्टेक्स के जो क्यूटिकल है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जितना आपका क्यूटिकल जो है वो अच्छा होगा, हेल्दी होगा, स्मूथ होगा, टाइटली ऊपर से क्लोज होगा, आपका बाल उतना हेल्दी उतना लचकदार होगा। अच्छा, अब हम आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है। मैंने कॉर्टेक्स बता दिया, क्यूटिकल बता दिया, हेयर रूट बता दिया, अब हेयर टाइप पे आते हैं। बाल की जो अकसाम होती हैं वो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फाइन हेयर, मीडियम हेयर और कोर्स हेयर। इंसानी बाल की साख जो है हमें उसके शेप और साइज से पता चलती है, जो कि इंसान को जेनेटिकली यानी मौरूसी तौर पर उसको जीन्स में उसको मिलती है। अब बाल चाहे स्ट्रेट हो या कर्ली हो उसका इन्हिसार 2 चीज़ों पर होता है। एक वो कि जो बाल की शेप जो होती है, बाल की जो भी शेप हो वो फॉलिकल से निकलकर बाल किस शेप का कौन सी शक्ल इख्तियार करता है, और दूसरा जो उसका इन्हिसार होता है यानी वो कैरेटिन की प्रोडक्शन है जो डर्मल पैपिला के अंदर जो कैरेटिन की प्रोड्यूस होते हैं, कैरेटिन के सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर बाल का इन्हिसार होता है। अब हम जो बाल को इसके हवाले से हेयर टाइप के हवाले से हम 3 उसमें तकसीम करते हैं, फाइन हेयर, मीडियम हेयर और कोर्स हेयर। फाइन हेयर जो होता है कि बहुत बारीक होता है, सॉफ्ट होता है और पतला भी होता है, सॉफ्ट भी होता है और अच्छी उसमें लचक भी मौजूद होती है। जो मीडियम हेयर होता है वो उसमें फाइन हेयर में वॉल्यूम कम होता है, मीडियम हेयर में वॉल्यूम ठीक होता है, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बाल अच्छा घना और लचकदार होता है यानी अच्छी हालत में होता है। जबकि कोरस हेयर जो होता है वो रफ होता है, बाल फूला हुआ होता है, उसमें फ्रिज होती है और अमूमन जो ड्राई बाल होता है और कर्ली बाल होता है वो अमूमन कोरस होता है और मोटाई में भी इन दोनों की नस्बत मोटाई में ज्यादा होता है। एक आम सर के ऊपर, एक नॉर्मल सर के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह के बाल होते हैं, जैसे हमारी कनपट्टियां हो गई, ये हमारी जो ये हो गया, और या नेप के एरिया में पीछे हमारे बाल फाइन हेयर होता है, आगे आगे भी फाइन हेयर होता है, लेकिन सर का जो क्राउन का एरिया है यहाँ पे बाल घना होता है और मीडियम होता है।
लेकिन बाज़ुकात बाज़ हिस्से जैसे जैसे बाल आपका अपनी आपकी जड़ से दूर जाता जाता है या लंबा होता जाता है, जितना बाल लंबा होता जाएगा उसमें ड्राइनेस ज्यादा आती जाएगी, क्योंकि वो अपनी जड़ से एक तो दूर हो रहा है, दूसरा ये कि उसने अपनी लाइफ ज्यादा गुजार ली है, और तीसरा ये कि उसको उसकी जो केयर होती है वो कुदरती केयर जो है, जो मैंने आपको बताया था सीबम जो है जो बाल से कुदरती तौर पे अपनी जड़ से लेके निकलता है, वो उसमें से कम उसमें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से बाल के जो सिरे होते हैं यानी नीचे से जो बाल होता है सिरों पर से, वो ड्राई होता है, और इसी वजह से हमारे बालों में अक्सर स्प्लिट एंड्स पड़ जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि आपको ट्रिम करते रहना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और उनमें से रौनक खत्म हो जाती है, जान खत्म हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है। तो ये सर की जो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सर के ऊपर इस तरीके से बाल जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अब मैं आती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर में हमारे पास टेक्सचर आ जाता है, पोरोसिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है और डेंसिटी आ जाती है। अब सबसे पहले टेक्सचर क्या चीज है, ये जो मैंने अभी आपको हेयर टाइप आपको बताया कि बाल फाइन होता है, मीडियम होता है या कोरस होता है, ये इसको हम इस टेक्सचर में हम उसको लेके जाते हैं। हम जब कोई आपसे पूछता है कि बालों का टेक्सचर कैसा है, तो आप ये कहते हैं कि बाल फाइन है। फाइन का मतलब ये हुआ कि आपका बाल पतला है, उसमें वॉल्यूम कम है और लचक है, चमक है, लेकिन क्या है कि वो उसमें वॉल्यूम कम है और पतला भी है। जब आपका हम कहते हैं कि बाल मीडियम है, मीडियम का मतलब ये कि ना बहुत ड्राई है, ना बहुत पतला है, ना बहुत मोटा है, ना ड्राई है, उसकी हालत अच्छी है, इलास्टिसिटी अच्छी है, उसमें नमी अच्छी है उसमें और चमक है, तो वो हम उसको मीडियम बाल कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम कोरस हेयर कहेंगे, जो कोरस हेयर होता है वो बाल रफ होता है, पोरस होता है, ड्राई होता है, और उसके बाल को चेक करने का ये तरीका होता है कि अगर बाल की अपोजिट डायरेक्शन में उसको बाल को इस तरीके से ऊपर को, अगर बाल यू लंबाई में आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन आप हाथ चलाते हैं तो आपको बाकायदा फील होगा, उसकी रफनेस जो है वो आपको फील होगी। तो ये है कि, और एक और चीज की, जितना केमिकल प्रोसेस आप करते रहेंगे बालों के ऊपर तो बाल आपका रफ होगा, कोरस होगा। और ये भी आप याद रखें कि बाल, जब आप किसी भी केमिकल को बाल के ऊपर ज्यादा रखेंगे तो आपका बाल पोरोसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास टेक्सचर के बाद आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी बेसिकली इस चीज का को जांचना है कि बाल के अंदर कितनी नमी है। अगर बाल के अंदर अच्छी नमी मौजूद है, कुदरती नमी मौजूद है, तो बाल आपका बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी इलास्टिसिटी उसके अंदर होगी। लेकिन अगर आपके बालों के अंदर नमी कम हो चुकी है तो आपका बाल ड्राई, रफ और बड़ा क्या कह लें कि उसको आपको, यानी आप जो भी प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाएंगे वो हर चीज को अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा हम प्रोडक्ट लगाते हैं किसी बाल के ऊपर तो बाल पीता जा रहा है, तो बेसिकली वो बालों के वो पोरस बाल है जो कि नमी कम होने की वजह से वो एक ड्राई स्पॉन्ज की तरह बन जाता है, जब उस पर आप पानी डालें तो सारे का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आती है इलास्टिसिटी, लचक, बाल की लचक कैसे, उसको चेक करने का तरीका ये कि आप एक बाल लें और उसको पकड़ के यूं खींचें, बाल अपने उससे इतना खींच के, जब आप उसको खींचते हैं, खींच के आप उसको छोड़ें तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छी उसकी इलास्टिसिटी है। जब आपने उसको पकड़ के यूं खींचा और बाल थोड़ा सा वो होके अगर हुआ और टूट गया तो इसका मतलब है कि उसकी इलास्टिसिटी इतनी अच्छी नहीं है, यानी उसमें लचक इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपने इसको बाल को पकड़ और जरा सा खींचा तो वो टक करके टूट गया, इसका मतलब है कि बाल आपका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, उसकी पोरोसिटी, उसकी उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप उसके ऊपर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए, इलास्टिसिटी हमेशा वेट बालों के साथ चेक किया करें, बाल जब गीला हो तो उस वक्त आप चेक करें तो उससे बहुत अच्छी इलास्टिसिटी आप उसको जान सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है और एक और चीज के, अगर आपने बाल की लेंथ को खींचा और 20% खींचने के बाद वापस, यानी 20 बाल की जितनी लेंथ थी उसको 20% वो अपना खींचा और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, तो इट्स गोल्डन इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि आपका बाल एक स्क्वायर इंच में, एक स्क्वायर इंच यानी ये एक स्क्वायर इंच में कितने बाल आपके सर पे मौजूद हैं, तो ये इसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी के लिहाज से बाल सर के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीके से होता है। आपकी कनपट्टियों पे बाल
कम होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी आपके क्राउन या आपके नेप के एरिया में होती है। तो इसको हम कहते हैं घना होना, यानी जब आपसे बाल की डेंसिटी पूछी जाए तो उसका मतलब ये है कि आपके सर पे कितने बाल हैं, यानी कितने घने हैं बाल। तो आज का हमारा लेक्चर जो जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात करनी थी वो तकरीबन सारे, लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, मेरे टॉपिक्स सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और जिन लोगों ने फेसबुक पे के जरिए हमारे से मेरे साथ रابطे में हैं तो वो फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर अपना सवाल लिख के मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट फ्रॉम पीके के साथ मौजूद हैं, वहां पे आप इंस्टा पे भी अगर ज्वाइन करना चाहें, वहां पे भी अगर आप सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसके अलावा हमारी जो, अब मैं आपको ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारी 2 क्लासेस इस वक्त जो है लेक्चर्स के साथ अभी आने वाली हैं, वो ये पेड क्लासेस हैं, और इसमें आप टीचर के साथ 1-to-1 आपकी इंटरेक्शन होगी। आप लोगों को प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे, आप लोग हेयर के हवाले से प्रैक्टिकल्स भी आप करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों को बाकायदा डिप्लोमा दिया जाएगा। तो ये लेकिन वो पेड क्लासेस हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए जो आपको अभी स्क्रीन पे जो अब नजर आ रहा है ये इन क्लासेस के हवाले से, और इसकी इंफॉर्मेशन आप हमसे मैसेंजर पे भी या इंस्टा पे भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा जल्द ही इंशाल्लाह हमारे साथ जो कुछ जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स जब खत्म होंगे, हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, तो मैं आप लोगों को कुछ और लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग देख सकें कि जो हमारे जो इस वक्त प्रैक्टिकल काम, जो हमारी मुख्तलिफ ब्यूटिशियंस जो हमारा काम कर रही हैं, उनका काम भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अगला लेक्चर आप जब ये कंप्लीट कर लें, आप सारी चीजें सुन लें, तो आप मुझे डन करें, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर 3 days डिलीवर होगा, और आई होप सो के तब तक आप लोग ये सारा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।